मैं स्वागत करता हूं अपनी इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे देश के रेसलर बजरंग पुनिया के बारे में, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं अपने आंदोलन को लेके। इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, बजरंग पुनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 में हरियाणा राज्य के छज्जर जिले के एक खुदन गाँव में जाट परिवार में हुआ। पहलवान बजरंग पुनिया जी के पिताजी का नाम बलवान सिंह पुनिया है, जो कि पेशेवर एक पहलवान रह चुके हैं। और बात करते हैं पहलवान बजरंग पुनिया की शिक्षा की, तो इन्होंने अपनी जो प्राइमरी शिक्षा है वो अपने गांव के विद्यालय से पूरी की है। बात करते हैं इनकी ग्रेजुएशन की, तो इन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया है। बात करते हैं इनके करियर की। 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहलवानी की दुनिया में अपना कदम रखा। पहलवानी इनको विरासत में मिली। बजरंग पुनिया भारतीय पहलवान हैं, जिन्होंने 2018 के एशियन खेलों में पुरुषों की 65 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा के फाइनल में जापान के पहलवान तकातानी डियाची को एक तरफा मुकाबले में 11-8 से शिकस्त दी। एशियन खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के 9वें पहलवान हो गए। बजरंग ने अपना यह गोल्ड मेडल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया का यह 4था पदक है। बजरंग ने 2013 में कांस्य, 2018 में रजत और 2019 में फिर से कांस्य पदक जीता। बजरंग पुनिया के वैश्विक आयोजन में 4 पदक जीतने वाले भारत के एकमात्र पहलवान हैं। भारत ने विश्व कुश्ती अभियान को 2 पदक के साथ समाप्त किया। बजरंग से पहले विनेश फोगाट ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। 2015 में बजरंग पुनिया को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। और दोस्तों, इनके चल रहे आंदोलन में इनके उनके साथी उस्ताद जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो सही है गलत है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।